गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो बेसिक वीडियो है उसमें बात की थी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की और एचसीएफ एलसीएम का जो टू नंबर्स है उनके साथ क्या रिलेशन है, इस बारे में हमने बात की थी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहां पे जो नंबर्स गिवन है हमें इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो जिन फैक्टर्स की यहां बात हो रही है वो क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स लेनी है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके केवल टू फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स हैं हमारे, प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, टू से। टू थ्री फोर नहीं होगा, फाइव सेवन, उसके बाद इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी वन एंड सो। वो नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। यहां पे हमें इनको जो ये नंबर्स गिवन है इनको कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कह देते हैं कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, इस तरह से भी इसको कह देते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास है 140, तो 140 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो यहां पर हम 140 के लिए प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डिविजिबिलिटी के रूल आपको अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी, बहुत इजीली आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 पे, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहां पे जो यूनिट प्लेस है वो 0 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द यूनिट प्लेस इज 0। तो यहां से 35 आ जाएगा। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक इसी तरह से इसका सम होता है 8, तो ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 पे किया, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 140 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो आप देखेंगे कि जो ये नंबर था हमारे पास 140, हमने इसको लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके डिविजिबिलिटी के रूल जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतने इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 140 दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में ठीक इसी तरह से हमारे पास 156 गिवन है, तो हम 156 को लिख लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पे हमने 156 लिखा, तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो 2 पे चेक करेंगे तो 2 पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पे डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है। तो यहाँ पे हम 2 पे करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, अगेन 2 पे हो जाएगा ये, तो 2 पे करेंगे 2 3 जा 6 और 18 रह जाएंगे हमारे पास, 18 से फिर ये 9, 2 9 जा 18। अब ये 2 पे नहीं होने का क्योंकि यूनिट प्लेस 9 है। अब 3 पे चेक करेंगे, बिल्कुल 3 पे हो जाएगा, आप वैसे भी नजर आ रहे हैं, अदरवाइज इनका जो डिजिट्स का जो सम है 3
थ्री और नाइन ट्वेल्व होता है तो ये थ्री पे हो जाएगा, थ्री पे कर देते हैं, थ्री पे किया तो ये वन आ जाएगा और ये थ्री आ जाएगा। अब थर्टीन तो एक प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, तो अब हमें ये थर्टीन पे ही करना पड़ेगा, जब तक करते रहेंगे जब तक वन नहीं आ जाता। तो हम लिखेंगे कि 156 दैट इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। तो 156 दैट इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2^2 × 3 × 13। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चों अगर आपके पास समय है तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लें कि कहीं आपकी कोई डिवीजन गलत तो नहीं हो गई है। तो इनकी अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 156 ही आएगा, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 140 आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अगर कोई भी डिवीजन में मिस्टेक होगी तो फिर ये फैक्टर्स गलत हो जाएंगे आपके। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अगर हम बात करें पार्ट थर्ड की, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3825। तो इसका भी देख लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं 3825। इसके लिए हम सबसे पहले 2 पे चेक करेंगे, 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है। फिर हम 3 के लिए इनके डिजिट का सम करेंगे, डिजिट का सम हमारे पास हो जाता है 5 × 2 = 7 और 8 = 15 और 3 = 18। तो 18 बनता है, 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 3 से करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 remainder, 2 से 22 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 1 remainder, 1 से 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अगेन फिर से हम चेक करते हैं 3 पे, तो 5 और 7 = 12, 14 और 1 = 15। तो अगेन 3 पे ये हो जाएगा, 3 × 4 = 3, 2 × 6 हो जाएगा हमारे पास, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। रिपीट करते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 1 remainder हो जाएगा, तो 15 हो जाएंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब फिर हम 3 पे चेक करते हैं, तो 5 × 2 = 7, 7 × 4 = 11, 11 3 पे डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 2 पे चेक कर लिया 3 पे, तो 5 पे तो हो ही जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे कितना है 5, तो ये 5 पे हो जाएगा। तो 5 पे करेंगे 5 × 8 = 40, 2 remainder, 2 से 25 हो जाएगा, फिर ये 5 लेंगे तो हम 25, 5 × 5 = 25। अगेन फिर से हम 5 पे करेंगे, तो 5 पे करेंगे तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा। अब 17 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 17 पे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 3825 दैट इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17, और इट कैन बी रिटन एज, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3^2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाइड बाय 5^2, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाइड बाय 17। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चों ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर की तरफ। इसी तरह से आपको जस्ट डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और बड़े इजीली आप इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। बस एक ध्यान रखेंगे कि डिविजिबिलिटी के रूल आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो। यहाँ पे अगर हम बात करें पार्ट फोर की, तो पार्ट फोर में हमारे पास है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 5005। तो 5005 के लिए हमें चेक करना है, तो 5005 के लिए अगर हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम 2 के लिए चेक करेंगे, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसके डिजिट का सम करें तो 5 और 5 = 10, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 पे ये हो जाएगा। तो हम किस पे चेक करते हैं, 5 पे, तो 5 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 1, 0, 0 और 1, तो ये 5 पे भी हमने चेक कर लिया, तो 5 अब ये 5 पे भी नहीं होने का। तो अब इसके बाद 5, 6, 7 पे चलते हैं, तो 7 पे चलते हैं, तो 7 पे चेक करने का हमारे पास क्या तरीका है। तो देखो पहले तो एक बार तो हम इसको 7 पे कर लेते हैं, 1, 0, 0, 1, 7 × 7 = 3, 7 × 4 = 28, 2 और 7 × 3 = 21। तो इसका मतलब ये 7 पे हो गया।
अब दूसरी बात सेवन पे चेक करने का क्या मेथड होता है आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। अगर आपको कोई भी नंबर सेवन पे चेक करना है तो लास्ट थ्री डिजिट ले, तो लास्ट थ्री डिजिट हमारे पास 001 है और बाकी के जो बचे हैं वो ले, ये हमारे पास वन है, तो ये भी वन है और ये भी वन है, तो इनमें से जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, ये तो दोनों से बराबर है, तो वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ गया तो जीरो तो सबसे डिविजिबल है, या तो जीरो आ जाए या फिर सेवन से डिविजिबल आ जाए, जो नंबर सेवन से डिवाइड होता है वो आ जाए, तो इसका मतलब वो सेवन से डिविजिबल है। मींस अगर हम बात करें कोई और नंबर लेके, अगर हम इसकी बात करें जैसे यहां से हमने सेवन के लिए लिया है, तो हमने एक इजी सा नंबर होगा ना ये हमारे पास, तो इस इजी से नंबर की बजाय हम कोई और नंबर ले लेते हैं, मीन्स हम नंबर ले लेते हैं 2835, तो इसको चेक कर रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे यहाँ पे आप ले लें 835 और ये 2 रह गया, तो 2 रह गया तो 2 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस कर देंगे हमारे पास, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, फिर 38, तो इसको चेक कर लेंगे 7 पे करके, मान लो आपको 7895643217 इसको चेक कर रहे हैं 7 से डिविजिट में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये 3 डिजिट लेंगे और बाकी के जो बचे हैं ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यानी कि हम इसको 217 को इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 13 से 76 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 से 1 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा 5 9 8 और 7, फिर ये 3 ले लेंगे और ये बाकी के जो रिमाइंडर है इसमें से ये माइनस कर देंगे 2 4 2 6 15 9 आ जाएगा, 8 से 6 आ जाएगा, ये 4 और 7, फिर ये ले लेंगे हम, अब की बार ये छोटा हो गया तो 4 इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 4 6 और 2 आ जाएगा। अब आप इसको चेक कर लेंगे, तो बहुत छोटा चेक करना पड़ेगा आपको, या फिर आप सीधा ही आप डिवीजन के से इसको चेक कर सकते हैं, तो दोनों में से जो भी मेथड आप फॉलो करना चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसकी बात करें तो 7 6 42 4 रह गए और फिर 2 लिया, तो फिर 7 6 42, तो यस ये जो नंबर है हमारे पास वो 7 से डिविजिबल है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे ये 7 पे डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल है तो 7 से कर लेते हैं अभी हम, 7 1 7 3 रिमाइंडर 30 7 4 28 2 रिमाइंडर 21 7 3 गया। अब फिर इसको 7 पे अगर चेक करते हैं हम, तो 7 पे अगर इसको हम चेक करेंगे तो अब की बार 7 से नहीं होगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 8 9 10 पे चेक नहीं करना, 11 पे चेक करते हैं। अब देखो 11 पे चेक करने का क्या तरीका होता है, कोई भी नंबर 11 पे डिविजिबल है, इसको चेक करने का क्या नंबर होता है, जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है कौन कौन है, फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, 7 5 3 इनका प्लस कर दे कितना हो जाएगा 15, और जो इवन नंबर पे डिजिट है 3 4 और 2, 3 और 4 7 और 2 9 9, इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी बड़ा उसमें से छोटे वाला माइनस कर दे, तो कितना आ गया 6, तो इसका मतलब ये 11 पे डिविजिबल नहीं है, या तो जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए या फिर वो 11 की टेबल वाला हो, 11 हो 22 डिविजिबल बाय 11 हो, आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, इसी की बात करते हैं 143, हमने बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले लिया। अब देखो फर्स्ट पे और थर्ड पे 1 और 3 है, तो 1 और 3 4 हो गया, और ये सेकंड पे 4 तो है ही नहीं जगह, तो 4 पे ये 4 है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 डिविजिबल बाय 11, तो ठीक है। और इसका डिटेल में वीडियो के लिए आप इसका वीडियो, इस जो लेक्चर है इसका जो बेसिक वीडियो है वो आप जरूर देखें, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सको। तो यहाँ पे अब हम 11 पे कर देते हैं इसका, 11 पे जब करेंगे 11 बन जाए 11 3 रह गए, तो ये 3 रह गया, ये हमारे पास प्राइम नंबर ही है, तो 13 बन जाए 13, तो हम लिख सकते हैं कि 5005
इट कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइव प्राइम फैक्टर्स एज 5 × 7 × 11 × 13। ठीक इसी तरह अगर बात करें फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है 7429। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके पास, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज आपको इसमें करनी पड़ेगी। यहां पे देखते हैं इसको, इसमें कहा गया है 7429। तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस इसका 9 है। इसके बाद 3 से 7 सॉरी 9 और 2 11 और 4 15 15 और 7 22। तो 22 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब नेक्स्ट आगे 5 पे बढ़ते हैं, तो 5 पे भी ये डिविजिबल नहीं है। तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 9 है। 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए था, या तो यूनिट प्लेस 0 हो या फिर 5 हो। नेक्स्ट 7 पे डिविजिबल, देखो 7 बन जाए 7, ये 0, 7 6 जा 42, 7 बन जाए 7, 2 रिमाइंडर रह जाएगा, तो ये भी 7 पे भी नहीं है। 8 9 10 पे चेक नहीं करना। 11 पे देखो 7 4 2 9 है, तो यहां से जो इनका जो सम बनता है वो 13 बनता है। ओड प्लेसेस पे जो है 9 और 4 13, और इससे हमारे पास 9 बनता है 2 और 7 से। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये भी 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से हमें करना पड़ेगा, तो 13 से या तो आप इस तरह से कर लो ताकि गलती ना हो कोई आपसे। 13 5 = 65, यहां पे हम करेंगे तो ये 14 हो जाएंगे, 14 में से 5 9 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 2 7 पे 91 आ जाएगा, 1 13 1 13 6 रह जाएगा, तो ये 13 पे भी नहीं है। 14 15 16 पे हमें चेक ही नहीं करना, तो हम इसको 17 पे चेक करते हैं। 17 पे चेक करेंगे, 4 = 68 6 रह गए, 2 3 पे 51 क्योंकि 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 1 और 1 और ये 9, तो ये 7 पे आ जाएगा, 1 1 9, तो ये डिविजिबल बाय 17 है, तो हमें 17 पे करना पड़ेगा। तो 17 पे जब हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 437। अब 437 आ गया। अब ये इससे पहले 17 से पहले कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं, इससे आगे ही हमें चलना है। तो इससे आगे या फिर इसी पे चेक करेंगे, क्या पता ये 17 पे 2 बार हो तो यहां पे फिर से इसको एक बार 17 पे चेक कर लेते हैं। तो 17 पे अगर हम चेक करेंगे 437 को, तो 17 2 पे किया तो 34 9 और ये 7, ठीक है ना, 13 में से 4 9 और ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 पे 85, यहां पे हमारे पास 12 आ जाएंगे, तो 17 पे भी नहीं है। तो हमें 19 पे चेक करना है, अगर आप अपने माइंड में कर सकते हैं तो माइंड में भी कर ले। जैसे 19 पे चेक करना है, 19 2 = 38 38 है तो 5 रह गए, तो 5 से 57 हो गया, तो 19 3 = 57 होता है। नहीं तो फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से ही कर ले, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप माइंड में भी करने लगे। तो 19 पे किया जब हमने, 19 2 = 38 5 7 ले लिया और 19 3 = 57, तो 19 पे हो गया ये हमारे पास। तो जब हमने 19 पे किया तो ये 23 आ गया। अब देखो 23 तो प्राइम नंबर होता है, तो 23 पे ही हमें करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब हम लिख देंगे जो हमारा नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम लिख देंगे। तो 7429 इट कैन बी रिटन एज 17 × 19 × 23, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।